नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज का हमारा जो रूटीन वर्क है वो है हमारे गार्डन के सभी पौधों में कंपोस्टिंग करने का। तो कंपोस्टिंग हम कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। पर हम चूंकि बड़ी मात्रा में कंपोस्ट तैयार करेंगे, सभी पौधों में हमें कंपोस्टिंग करनी है। आप देख पा रहे होंगे इधर करेला, लौकी, लोबिया, तरोई, मिर्च, टमाटर सब कुछ लगे हुए हैं, तो सभी में हमें कंपोस्टिंग करना है। तो सभी के लिए हिसाब से अगर हम कंपोस्टिंग बनाने लगे और वो सब आपको दिखाने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक से दो गमलों के लिए जो कंपोस्ट बना के दिखाता हूँ कि मैं कैसे कंपोस्टिंग अपने सभी गमलों में करता हूँ और क्या क्या मैं उस कंपोस्ट में मिलाता हूँ। जो ये रूटीन कंपोस्टिंग है, जो एक्स्ट्रा कंपोस्टिंग हम करते हैं वो तो हम आपके साथ साझा करते हैं कि क्या किसी पौधे की एक्चुअल ग्रोथ के लिए या फिर इंस्टेंट ग्रोथ के लिए क्या कंपोस्टिंग करनी चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें मिलाने चाहिए, कौन सी कंपोस्ट किस पौधे के लिए लाभकारी होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो हर 15 दिन में हम जो रूटीन कंपोस्टिंग करते हैं आज हम वो दिखाएंगे आपको कि वो क्या है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो हम सबसे पहली चीज़ लेंगे वर्मी कंपोस्ट, दूसरे नंबर पर हम लेंगे बोन मील, जो कि आप सभी को पता है कि फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज पर बहुत ही कारगर कंपोस्ट है। इसके अलावा हम थोड़ी मात्रा में नीम खली लेंगे, जो कि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ इसमें ढेर सारे माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी मात्रा में राख। राख आप जानते हैं कि काफ़ी जो है फायदेमंद होती है पौधों के लिए। तो ये चार चीज़ों को मिला के हम अपना कंपोस्ट तैयार करेंगे और पौधों में कैसे देना है, किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने ले लेनी है ये वर्मी कंपोस्ट और देखिए मैं एक पौधे के लिए ये इतनी मात्रा वर्मी कंपोस्ट की यूज करता हूँ। ये 1 लीटर का मेरा वो पेंट का वो है डिब्बा, तो एक डिब्बा मैं एक पौधे के लिए, जो कि मेरा 15 इंच का अगर गमला है तो उसके लिए मैं एक डिब्बा जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज करता हूँ। इसके अलावा हम लेंगे इसमें बोन मिल, तो बोन मिल भी हम इस 2 डिब्बे में करीब आधे डिब्बे के बराबर, यानी कि आप ये कह लीजिए इसका 1/4 बोन मिल हम यूज करेंगे इसमें। देखिए बोन मिल बहुत ही अच्छी कंपोस्ट है, खास करके जब आपके पौधे फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज पे हों। साथ में हम करीब 2 मुट्ठी नीम खली, एक ग्रो बैग के हिसाब से 1 मुट्ठी, तो 2 मुट्ठी नीम खली, मैं 2 ग्रो बैग के हिसाब से ये कंपोस्ट तैयार कर रहा हूँ, और 2 मुट्ठी इसमें राख का पाउडर हम यूज करेंगे। राख का पाउडर ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज करना है, वरना ये पीएच वैल्यू हमारे पौधे ग्रो बैग की मिट्टी की बढ़ा देता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप चाहें तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही यूज कर सकते हैं, पर चूंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में हमारे गमलों में नहीं होते हैं, जो नॉर्मल मिट्टी होती है मगर ज़मीन पे पौधे लग रहे होते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी रिच मात्रा में होते हैं, माइक्रोब्स काफ़ी अच्छे होते हैं उसमें, तो उसमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। पर हम चूँकि टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं, गमलों में सीमित संसाधनों के रूप में कर रहे हैं, तो एक ही मिट्टी में बार बार पौधे लगाने की वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है, तो इसलिए हमें काफ़ी रिच फर्टिलाइजर बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे देखिए ये फर्टिलाइजर बनके तैयार है। अब आइए हम इसको यूज करते हैं, देखते हैं यूज कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, तो चलिए। तो दोस्तों हम आ गए अपने गमले के पास। देखिए ये करेले का पौधा है और आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो देखिए इसमें ढेर सारे करेले लग भी रहे हैं। तो ये ऐसा स्टेज है कि इस पौधे को अगर हम कंपोस्ट नहीं देंगे तो ये करेले लग तो रहे हैं पर ये करेले अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अब पौधे को कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देखिए ढेर सारे करेले लगे हुए हैं और ये करेला मेरा
ये 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो अब हम इसमें देखिए, हमने गुड़ाई कर रखी है, पहले हमने इसमें वाटरिंग कर दी थी, मिट्टी नम हो गई, उसके बाद हमने इसकी कर दी गुड़ाई। गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है, अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो फर्टिलाइजर हम देंगे वो पौधों की रूट्स तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसकी पहले इसमें वाटरिंग कर दें हल्की, उसके बाद इसकी कर दें गुड़ाई। तो ये देखिए, हमने दोनों ही पौधों की, गमलों की गुड़ाई करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी में नमी अभी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कंपोस्टिंग करें, कंपोस्टिंग करने के लिए जो बेस्ट वो होता है मिट्टी का टेक्सचर, उसमें हल्की नमी जरूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, आप मेरे दोनों ही ग्रो बैग कंपोस्टिंग के लिए रेडी हैं। अब हम इसमें करेंगे कंपोस्टिंग। तो जो भी हमने कंपोस्ट बनाई हुई है, इसको हम इस ग्रो बैग में हल्की हल्की मिट्टी हटा के चारों तरफ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, इसकी मिट्टी हम किनारों पे चढ़ा लेंगे। और अगर फीडर रूट थोड़ी बहुत डैमेज होती हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने गड्ढा बना लिया चारों तरफ से, और इसमें अब हम कंपोस्टिंग करेंगे। जो भी कंपोस्ट हमने बनाई हुई है ये, तो इस कंपोस्ट को हम इस गड्ढे में चारों तरफ से फिल कर देंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि करीब आधा किलो से ऊपर कंपोस्ट हम एक ग्रो बैग में यूज करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से चारों तरफ से इस जो गड्ढा हमने बनाया हुआ था, इसको अच्छे से फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद ये जो मिट्टी हमने ऊपर चढ़ाई हुई थी, इसी मिट्टी से फिर वापस हम इस कंपोस्टिंग को, जो भी कंपोस्टिंग हम कर रहे हैं, इसे वापस से मिट्टी में ढक देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम वाटरिंग करेंगे दोस्तों इसमें, तो पानी के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स इस कंपोस्ट से हम मिलेगी वो निकल के रिस्क डायरेक्ट जड़ों तक पहुंचेगी, और पौधों को काफ़ी आसानी होगी इस कंपोस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेने में, और बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा ये जल्दी। ऑर्गेनिक जो कंपोस्टिंग हम करते हैं, इसमें रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है, पर इस तरह से अगर आप कंपोस्टिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, और करना ही होता है हमारे गमलों में, तो ये तरीका बेस्ट है, इस तरीके को अपना कर देखें। आपको 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखने को अपने पौधों पे मिलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।